आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं थ्री फेज रोटरी कन्वर्टर के बारे में। इससे पहले पिछला वीडियो हमने बनाया था सिंगल फेज रोटरी कन्वर्टर बारे में। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, NCL के पेपर में 100% आने वाला है, क्योंकि NCL का सिलेबस के अनुसार ही मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो चलिए, थ्री फेज रोटरी कन्वर्टर का क्या है पूरा कार्यक्रम मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो पिछले वीडियो को देख लीजिएगा, सिंगल फेज रोटरी कन्वर्टर मैंने पढ़ाया है। तो देखिए इसमें क्या होता है, देखिए इसमें थ्री फेज होते हैं, अतः फेज अंतराल 120 डिग्री सेंटीग्रेड का होता है। इसमें लैप बाइंडिंग काम में ली जाती है। देखिए उसमें क्या है, स्लिप रिंग, इसका फॉर्मूला होता है स्लिप रिंग पोलों की संख्या इंटू फेजों की संख्या अपॉन टू। ठीक, तो यहाँ पे आपको यहाँ स्लिप रिंग लगानी पड़ेगी, आपको 6, तो पोलों की संख्या हमारी इसमें थ्री फेज में हो जाएगी 4, फेजों की संख्या हो जाएगी 3। तो पोलों की संख्या फेजों की संख्या अपॉन 2 से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पे 6 स्लिप रिंग यहाँ पे आपको इसमें लगानी पड़ती हैं। ठीक, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं यहाँ कि इसको स्टार्ट करने के लिए स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। इसको स्टार्ट करने के लिए स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। इसमें एसी, इसमें कॉमन वाइंडिंग होने के कारण एसी व डीसी अलग अलग प्रदान करने में मुश्किल होती है, क्योंकि इसमें थोड़ा अलग अलग इसलिए होता है कि आप इसको अगर मैकेनिकल ऊर्जा देंगे तो एसी और डीसी दोनों एक साथ निकालेगा, तो दोनों एक साथ निकालेगा तो एक दूसरे के फ्लक्स टकराने के कारण थोड़ा मुश्किलें पैदा होती हैं। ये है यहाँ पे पूरा थ्री फेज रोटरी कन्वर्टर। तो आगे वाले लेक्चर में NCL से रिलेटेड, NCL का सिलेबस के अनुसार नेक्स्ट टॉपिक में लेके आऊँगा। इस वीडियो में थोड़ी बहुत आपको नॉलेज मिली तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कोई सवाल और सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस वीडियो को देखने के लिए।